वेलकम टू इजी कुकिंग विद सुमन। आज मैं आपको एक टी टाइम स्नैक बनाना सिखाऊंगी जो कि बचे हुए चावलों से बने हैं। यानी कि कभी कभी हमसे चावल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो अब हम क्या करें? या तो हम उन्हें फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। पर मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिससे आप नेक्स्ट टाइम से अपने चावलों को ना फेंकेंगे ना किसी को देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मेरे रात के बचे हुए चावल हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी। आप हल्दी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो ना डालें, और तीखा भी आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब ये जो मेरे चावल हैं इसमें ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, तो मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके चावलों में नमक ना हो तो आप इसमें नमक डाल लें। अब हमें क्या करना है कि इन चावल को पीसना है। आप चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर मैं इसे हैंड ब्लेंडर से पीस रही हूँ, तो आप चाहे तो इससे भी पीस सकते हैं। देखिए, इसको पीसते समय इसमें पानी ना डालें, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। ये देखिए, ये मैंने इसे पीस लिया है। ये देखिए एकदम गाढ़ा है। देखिए आप देख सकते हैं कि एकदम गाढ़ा है, इसमें पतला नहीं है। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा बहुत अगर आपको ज़रूरत हो तो पीसते समय थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिए। अब हमें क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है और इस प्लेट में मैंने ऐसे 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 तोड़ दूंगी, जिसे बोलते हैं ना बरी तोड़ते हैं हम, उस तरह से इसे ऐसे तोड़ लूंगी। ये देखिए मूंग दाल बड़ी होती है ना, उसी की तरह मैं इसे ऐसे तोड़ रही हूँ। देखिए आप चाहें तो इसे धूप में पॉलिथीन बिछा के और उस पर जैसे हम पापड़ वगैरह सुखाते हैं उस तरह से भी इसे सुखा सकते हैं। पॉलिथीन पे तोड़ लीजिए और फिर उसे धूप में 1 या 2 दिन के लिए रख दीजिए। अब ये देखिए, ये मैंने इसे तोड़ लिया है, यानी कि बना लिया है। देशी भाषा में तोड़ना ही बोलते हैं, यानी कि मैंने इसे बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक पाइपिंग बैग लूँगी, उस पाइपिंग बैग में इस बैटर को भर के और इस तरह से मैं ये लंबे लंबे बना रही हूँ, जैसे ये कुरकुरे टाइप से हो जाएंगे, बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे। आप चाहें तो इसे अलग अलग शेप्स भी बना सकते हैं। देखिए मैं तो कुरकुरे ही बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को कुरकुरे बहुत पसंद है। ये देखिए, अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप सिंपल पॉलीथीन से भी बैग बना सकते हैं और उसमें इस बैटर को भरकर इस तरह से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी बनके तैयार है। अब मैं इन्हें 2 दिन के लिए धूप में सुखाने रख दूंगी। अब ये 2 दिन हो गए हैं और ये देखिए मेरे सूख के एकदम तैयार हैं। ये एकदम सूख जाने चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। देखिए अब चलिए इसे फ्राई करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसमें मैं इनको डाल देती हूँ। ये जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए अच्छे से, तभी इसमें डालें। ये देखिए मेरा अच्छे से गर्म हो गया है और मैंने इसमें इसको डाल दिया है। और ये देखिए फ्राई होना शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं आप, ये फ्राई हो रहे हैं और कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ध्यान रखें ये बहुत अच्छे से सूख जाएं तभी इन्हें फ्राई करें। ये देखिए फ्राई हो गए हैं मेरे और देखने में बहुत कुरकुरे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो आप भी अब नेक्स्ट टाइम जब चावल ज़्यादा बन जाए तो उन्हें फेंकिए नहीं, ये रेसिपी ट्राई कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।